सो बहुत बार आपने बोलते हुए सुना होगा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को या फिर आपके सीनियर्स से कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन साल भर एचएससी बोर्ड की थी, पर फिर भी मेरा एग्जाम लास्ट में अच्छा नहीं गया क्योंकि मैंने अच्छी तरह से सारी चीज रिवाइज नहीं की थी। बच्चों ये चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे पढ़ते तो बहुत है पर रिविजन ज्यादा नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट। अगर फिजिक्स इन 30 डेज आपका फिजिक्स का प्रिपरेशन या फिर मैं कंपेरेटिवली बोलूंगी दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए या पढ़ाई अभी 30 डेज में कैसे करना चाहिए, उसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिविजन करना। बच्चों आपका कितना भी अभी तक पढ़कर हो चुका है वो सारा का सारा आपको अब यहां से रिवाइज करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट 30-40 डेज के अंदर। अब बहुत से बच्चे ऐसा बोल रहे होंगे सर हमने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है और एग्जाम का डर ज्यादा लग रहा है, तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स के लिए आप मेरे चैनल पर अच्छी तरह से अपना टाइम इन्वेस्ट करो। बहुत से वीडियोस मैंने बताए हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया है फिजिक्स का, देखो दो वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे जिसमें मैंने 43 और 32 मिनट के वीडियो बनाए हैं और उसमें मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अगर उतना भी आप सही से पढ़ते हो बच्चों तो 25 प्लस अगर आपको फिजिक्स का डर लग रहा है तो आप उतना स्कोर करने के लिए वो सारे वीडियोस के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट बोला है सब अच्छी तरह से करो, ठीक है? और बच्चों जिनको स्कोर करना है, बूस्ट करना है अपने स्कोर को, तो भी उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? चैनल पे सर्च करो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगा आपको, ठीक है? रिवीजन फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐड कर रहा था इसके अंदर। और रिवीजन करते समय बच्चों आपको कैसे रिवीजन करना है, अभी फिलहाल आपके पास टाइम है तो जब आप रिवीजन कर रहे हो रिवीजन करते समय अपने नोट्स भी उसी साथ बनाना स्टार्ट करो। रिवीजन की नोट्स कैसे है, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल को देखोगे तो आपको फिजिक्स के लिए बहुत टाइम मिल रहा है लेकिन केमिस्ट्री मैथ्स के लिए नहीं मिल रहा है उतना। तो अगर आप अच्छी तरह से फिजिक्स के लिए रिवीजन करना चाहते नोट्स बनाओगे तो आपको लास्ट टाइम पे भी वो सारी नोट्स हेल्प करेंगे आपको सारा का सारा फैक्टर फास्ट में रिवीजन करने के लिए, ठीक है? और बहुत कम टाइम रहता है बच्चों, आप उसी समय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे और जहां आपको फिजिक्स के लिए 6 दिन का गैप मिला है वहां आप केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़ रहे होगे, तो आपको फिजिक्स के लिए वैसे भी आप लोग को टाइम कम मिलेगा। और अगर आप कोशिश कर रहे हो कि अगर मेरी पढ़ाई ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो आपको नोट्स बनाने चाहिए और वो भी अभी से बनाना चाहिए। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसके लिए जैसे आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव में ऐसा चैप्टर कंसिडर करता हूं, आपको मालूम है इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को सारा का सारा क्या करना है, अभी आप इन चैप्टर को 4 से 3 पेज पे समअप कर सकते हो क्या? 4 से 3 पेज के अंदर अगर आप इतने पेज पे समअप कर लोगे इस चैप्टर को तो आपको ये चीज रिवाइज करते समय बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम के टाइम पे, अभी भी आप प्रीलिम्स ये सब दे रहे हो उस समय के लिए। अब करना कैसे है बच्चों, देखो जब आप समअप कर रहे हो आप बड़े बड़े डेरिवेशन लिखते हो, अब जैसे ओपन पाइप का और क्लोज पाइप का, तब आप जब पूरा का पूरा डेरिवेशन देखते हो उसके अंदर थोड़ी बहुत मैथ्स की भी मेथड है, अब वो सारी चीज आप निग्लेक्ट कर सकते हो और इंपॉर्टेंट जो है उतना ही लिखना है, ठीक है? हर डेरिवेशन को जब आप लिखते हो वैसे ही लिखने की कोशिश करो, इससे क्या होगा कि पूरा बड़ा बड़ा डेरिवेशन जो है वो सारी चीजें छोटी छोटी हो जाएंगी और आपको रिविजन करने में फास्ट हेल्प होगा, ठीक है? तो आपको हर चैप्टर के लिए ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है? 3-4 पेज में अभी कर लो, आपको अच्छी तरह से उसका फायदा होगा आगे चलकर, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चों को रहता होगा कि सर मैं नोट्स बनाऊं कैसे, नोट्स के लिए भी तो अच्छी तरह से पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है? उसके लिए आप क्या करो, पहले चैप्टर को सही से पढ़ो, नहीं हुआ है तो मैं वही बोल रहा हूं रिविजन करने वाली चीज के बारे में बात कर रहा था मैं। अब अगर आपका कुछ भी रिविजन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, मैंने 4 से 5 चैप्टर के अभी तक डाल दिए हैं, आगे भी फिजिक्स के डालता रहूंगा, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां आपको सारे के सारे नोट्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ है, तो प्लीज उसको चेक करो और उसी से आप अपने नोट्स ये वाले बना सकते हो किसी भी चैप्टर के, एसपीओडब्ल्यू के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के और बाकी एक्सवाइजेड चैप्टर्स के सारे नोट्स आप डीपली पढ़ो, देखो कैसे डेरिवेशन किया है उसको समझो और अपने नोट्स अपने हाथों से अच्छी तरह से बनाओ, ठीक है? 3-4 पेज के अंदर। दूसरा और पहला दो पॉइंट मैंने बताए, रिवीजन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फिर इसके बाद आपके जब भी रिवीजन कर रहे हो इसके अभी से नोट्स बनाना चालू कर दो, ठीक है? ये दो पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट पे मैं बढ़ूंगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है अभी इस समय जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो, जब आप स्टडी करते हो ना बच्चों तो सबसे पहले आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली 3 आवर करो, ठीक है? कंटिन्यूअस स्टडी, ब्रेक बीच में लेना है तो 3 घंटे बाद ही, कंटिन्यूअस टाइम लगाओ। कैसे है, आप जब पढ़ रहे रहते हो तब आप ज्यादातर अवॉइड, कुछ तो काम रहेगा आपको तो आप बीच में से ही चले जा रहे हो या फिर आपका मोबाइल है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और इसको मैं ऐड करूंगा बच्चों कि जब भी आप बैठ रहे हो मोबाइल लेकर मत बैठो पढ़ते समय, फिलहाल इस 3-4 घंटे दिन के अंदर जब भी आप
आप कितना 18 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, पर कितना प्रोडक्टिव पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। और 12 घंटे या 6 घंटे जितना भी पढ़ रहे हो कंटिन्यूअसली पढ़कर मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। जब भी आपको कुछ डाउट आ रहा है ना तो आप पहले उस क्वेश्चन को सर्कल कर दो। फिलहाल के समय आपको डाउट क्लियर नहीं करना है, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जब आप उसके लिए मोबाइल यूज नहीं करना है, किसी फ्रेंड को फोन नहीं करना है, पहले उसको सर्कल कर लो। और जब बाद में जब आप 3 घंटा आपका खत्म हो जाता है उसके बाद अपना टाइम निकालकर ये सब डाउट को क्लियर करो, ठीक है। लेकिन मोबाइल बैठकर कंटिन्यूअसली उस समय काम नहीं करना है। अगर आपको कंट्रोल हो सकता है कि भाई मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होऊंगा, जो कि बहुत मुश्किल है इस समय, तो ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को ये मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और कंटिन्यूअसली 3 आवर का एक टाइम टेबल बना के रखो दिन में। मैं सिर्फ एक ही बार बोल रहा हूं कि आप 3 घंटे का कंटिन्यूअसली एक टाइम टेबल बनाकर रखो और उसके अंदर आपको 3 घंटा कंटिन्यूअसली चंक में पढ़ना है। इसमें आप ये देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जा रही है 3 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ने से, और बोर्ड एग्जाम भी 3 घंटे का है तो वो भी आपको एक हैबिट लग जाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं फैक्टर बोलूंगा, आप जब पढ़ रहे हो अपने लिए 3 घंटा, अभी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो 2 घंटे से शुरुआत करो, 1.5 घंटे से शुरुआत करो, लेकिन पहले 1.5 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा जब भी पढ़ रहे हो अपने मोबाइल को दूर रखो, कंटिन्यूअसली फोकस करो सिर्फ अपने पॉइंट पे, आपके स्टडी पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते चलो। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जब भी आप पढ़ रहे हो अभी फिलहाल फिजिक्स के लिए, मैं आपको एक टिप इंपॉर्टेंट दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों अगर आप देखोगे ना तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इस चैप्टर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अंदर आपका वर्क डन का जो एग्जांपल है ना वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, पिछले 5 सालों के पेपर के अंदर 4 बार पूछा गया है। अब आप अगर उस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो तो बच्चों आपको ज्यादातर चांस है वो 2 मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आसान है, बस आपको वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपको उस चैप्टर के उस न्यूमेरिकल को तो कम से कम कर ही लेना चाहिए, ठीक है, एमपीओएफ की। ऐसे ही सेम सिनेरियो बच्चों आप अगर मैं बोलूं न्यूमेरिकल के बाद आपका दूसरा फैक्टर, जैसे थ्योरी के अंदर आपका प्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, थ्योरी के अंदर आपका जैसे आप कैपेसिटर, इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखोगे तो थ्योरी का क्वेश्चन वहां से आता ही है, कैपेसिटर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल रिलेटेड, या फिर आप कोई भी चैप्टर के अंदर ऐसे केटीजी चैप्टर को देखोगे तो केटीजी के अंदर आपके डेफिनेशंस आना कंपलसरी है, आते ही है यहां से डेफिनेशन, तो इसमें जितने भी डेफिनेशंस सारे प्रिपेयर कर लो। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के डेफिनेशंस आना कंपलसरी है, आता ही है, तो उसके डेफिनेशन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझो, पेपर को देखो, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ और वहां पर देखो कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, क्या चीज उस चैप्टर से रिपीट हो रही है, और उनको पहले करने की कोशिश करो। इससे आपके मार्क्स बूस्टअप में हेल्प होगा। जिन बच्चों को 40 पढ़ने वाला है, अगर ये चीज एनालिसिस अच्छी तरह से किया तो 50-60 तक जा सकता है वो। और जिनको डर लग रहा है कि सर मेरे को तो फिजिक्स के अंदर कुछ नहीं बन रहा है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो आप उनको तो पढ़ो पहले, यहां से कम 15-20 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। बाकी एमसीक्यू ये सब कहीं से अगर हेल्प मिल जाएगी तो आपको अच्छे मार्क्स बूस्ट हो ही जाएंगे। तो बच्चों इतना हार्ड नहीं है, आप इस तरह से स्ट्रैटेजी 1 महीने की लगाओ और फिजिक्स को अच्छी तरह से 30 दिन अच्छी तरह से दो, आपको देखो ये सारी चीजों से आपको कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर आपको ये सारा चीज अच्छी तरह से पढ़ना है तो मैंने चैनल पे अपलोड करके रखा है, और बच्चों बहुत सी चीजें अभी मैं लेकर आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज लेके आने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, बाकी आपको बहुत चीजें गाइड करनी है, वो सब चीजें सब एक एक करके आने वाली है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।